नमो भारत ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब वो इंडियन रेलवे के ई टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC के जरिए ही नमो भारत ट्रेन की टिकट बुक कर पाएंगे। इंडियन रेलवे और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इससे पैसेंजर्स के लिए रेलवे और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर्विसेज दोनों का इस्तेमाल करके टिकट बुकिंग और सफर करना आसान होने वाला है। तो IRCTC पर नमो भारत ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा, कैंसिलेशन को लेकर क्या है रूल, जानिए सारी बातें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC के अधीन NCR के बड़े शहरों को रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। मौजूदा वक्त में इस कॉरिडोर में साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ के बीच सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। NCRTC और रेलवे के हाथ मिलाने से अब पैसेंजर्स को नमो भारत ट्रेन के लिए IRCTC प्लेटफॉर्म पर ही टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत पैसेंजर IRCTC ट्रेन ई टिकट बुक करने के बाद एड ऑन सर्विस के तौर पर मैक्सिमम 8 यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। RRTS बुकिंग का ऑप्शन PNR कंफर्मेशन पेज पर दिखाई देगा। यूजर्स की ट्रेन टिकट बुकिंग हिस्ट्री से भी इसे एक्सेस किया जा सकेगा। हर RRTS टिकट के लिए एक यूनिक QR कोड जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप यानी ERS पर इसे आसानी से प्रिंट किया जा सकेगा। IRCTC ने बताया है कि QR कोड सफर की तारीख से एक दिन पहले और सफर वाले दिन और ट्रैवल डेट के 2 दिन बाद तक यानी कुल 4 दिन के लिए वैलिड होगा। हर यात्री को ट्रेन टिकट पर QR कोड के साथ अपना नमो भारत टिकट मिलेगा। इससे सफर करने में सुविधा मिलेगी। अच्छी बात यह है कि रेलवे रिजर्वेशन विंडो की तरह नमो भारत की टिकट को 120 दिन एडवांस में बुक किया जा सकता है। टिकट बुक होने पर यूजर को SMS और ईमेल के जरिए कॉन्फर्मेशन मिलेगा। साथ ही में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर QR कोड की डिटेल्स भी भेजी जाएंगी। नमो भारत ट्रेन टिकट किराए की वसूली IRCTC की कन्वीनियंस फीस जो कि ₹5 प्लस टैक्सेस है उसके हिसाब से होगी और IRCTC प्लेटफॉर्म पर मौजूदा ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों के जरिए ये पेमेंट आप कर पाएंगे। अगर यूजर टिकट रद्द करता है तो टिकट का पैसा तो उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन IRCTC की कन्वीनियंस फीस, पेमेंट गेटवे चार्जेस और उससे जुड़े टैक्स वापस नहीं होंगे। यात्री ERS या मोबाइल ऐप के जरिए स्टेशन के एंट्री गेट पर QR कोड को स्कैन कर पाएंगे। आपके मन में सवाल होगा कि अगर रेल टिकट नहीं खरीदा है तो क्या IRCTC से नमो भारत ट्रेन के टिकट खरीदने की सुविधा नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। आप बगैर रेल टिकट खरीदे भी IRCTC के जरिए डेली यूज के लिए नमो भारत ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि इस पर सेम डे ही ट्रैवल आप कर पाएंगे। IRCTC और NCRTC के इस कदम से NCR में सफर करने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। यही नहीं, NCRTC दिल्ली NCR क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 से 3 दिन का अनलिमिटेड पास ऑफर करने पर भी विचार कर रहा है।